नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मंथली ईएमआई मिस कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं और इसका रेमेडियल प्रोसेस क्या है। देखिए, एग्जांपल लेके समझिए कि मान के चलिए आपने होम लोन ले रखा है जिसकी मंथली ईएमआई इंस्टॉलमेंट 15,000 जाती है, लेकिन किसी महीने आपकी इंस्टॉलमेंट गई नहीं क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो इसका क्या है कि जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, ऐसा ही जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वो एक्सक्यूट नहीं हो पाती। फिर होता क्या है कि सिस्टम आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। लगभग ये पेनल्टी 200 रुपये से लेके 5,000 तक रुपये हो सकती है, क्योंकि 200 से 500 रुपये पब्लिक सेक्टर बैंकों में लगते हैं, 1,000 से 2,000 प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, और जो दूसरी जो NBFC कंपनी है वो बहुत ज़्यादा फाइन आप पर लगाती हैं। प्लस उतने अमाउंट से आपका अकाउंट होल्ड पे हो जाता है। मतलब अगर 15,000 रुपये की अगर EMI आपकी नहीं गई तो सिस्टम 15,000 रुपये का होल्ड आपके अकाउंट में लगा देगा। अब होता क्या है कि जब कभी भी आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, जब भी आपके अकाउंट में 15,000 से ज़्यादा का हो जाता है बैलेंस, तो सिस्टम आपके होल्ड को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है और उसी दिन डे एंड पर आपकी EMI पेमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली सिस्टम से। आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात ये होती है कि मान के चलिए आपने एक EMI मिस कर दी, दो EMI मिस कर दी, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए जो EMI की डेट है उससे 90 दिन हो गए तो आपका अकाउंट NPA में हो जाएगा। NPA में हो जाए होने के बाद फिर बैंक आपसे रिकवरी प्रोसेस शुरू कर देगा। हाँ, लेकिन अगर आपका अकाउंट एक बार NPA में हो जाता है और फिर आप उसमें लगातार इंस्टॉलमेंट जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट कर देते हैं, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली NPA से बाहर आ जाता है, आपका अकाउंट नॉर्मल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।